देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी जन समस्या निस्तारण प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाकिर अली रानी के नेतृत्व में मुरादाबाद जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को लेकर 2 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि बढ़ती हुई महंगाई वापस ली जाए, जिसने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। गरीब आदमी आज बहुत परेशान है। बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं जो रात को भूखे ही सो जाते हैं। महंगाई पर अंकुश लगाया जाए और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। आज सरसों का तेल 175 रुपए लीटर तक बिक रहा है, जबकि आजादी से लेकर ऐसी महंगाई भी नहीं आई। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिन्हें तत्काल वापस लिया जाए। पेट्रोल डीजल का रेट 60 रुपए लीटर होना चाहिए और रसोई गैस भी 400 रुपए तक होनी चाहिए, जिससे गरीब आदमी का थोड़ा भला हो सके। इसी प्रकार दालों में भी कम से कम 40% की कमी होनी चाहिए। ज्ञापन देने वालों में बच्चन सिंह चौहान, महफूज हुसैन, उदयपाल सिंह, नितिन शर्मा, शाइन परवीन आदि मौजूद थे। ये महंगाई के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। 2 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी द्वारा माननीय महामहिम जी को भेजा गया है। क्या मांग की गई है? महंगाई जो है तो इस पे जो है तो लगाम कसी जाए और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और छापे मारे जाएं और महंगाई पे अंकुश लगाई जाए। गरीब आदमी बहुत परेशान है। दो वक्त की रोटी जुटानी बड़ी मुश्किल पड़ रही है। तुम इस तरह के जमाखोरों की बात कर रहे हैं आप? जमाखोर जो भंडार बना रखे हैं, उन्होंने जमा कर रखा और जो है सरसों का तेल 200 रुपये पौने 200 रुपये से लेकर 150 रुपये तक बिक रहा है, समझे। और दालें बड़ी महंगी हैं, जिससे आम आदमी जो है तो परेशान है। गरीब आदमी बहुत परेशान है इसको लेके। बहुत से लोग तो इस यहाँ मुरादाबाद से फैक्ट्रियों से फर्मों से निकाल दिए गए। कौन सा अधिकारी को ज्ञापन दिया है? आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है माननीय महामहिम जी के माध्यम से भेजा है। इनके जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय महामहिम जी को भेजा है।